अच्छा मजोरिटी सरकार बन जूगी के अलग अलग पार्टियां वोटां लेके जाएंगी, सरकार नहीं किसी की बनती, की होगा? दुआ तो यही है कि सरकार बन जाए, नहीं तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जे गलती होगी कि वोट खिंडर गई तो किसी पार्टी को बहुमत ना मिलिया तो फिर एक याद रखियो, सारिया पार्टियां इन अपोजिट है, किसी ने किसी समर्थन देकर सरकार नहीं बनानी। यदा मतलब राष्ट्रपति राज लग जूगा और जे पंजाब राष्ट्रपति राज लग गया तो विजय जी पंजाब का बहुत नुकसान होने वाला, फिर केंद्र अपने को कुछ लै जूगा झाड़ के तुम आप सोच भी नहीं सकते। और जे मतलब कि कामयाब होगी भाजपा की स्कीम तो तुम समझ लो पंजाब दे विच फिर किसी की सरकार नहीं बननी। इस करके मैं बार बार दुआ करता कि किसी एक पार्टी को मैंडेट मिल जाए, सानू सरकार मिल जाए। जे राष्ट्रपति राज लागू हो गया 2.5 साल लिए घट्टो घट लगेगा और 2.5 साल के बिल बुल जे द्वारा सब कुछ द्वारा आ जाऊगा, कोई खास गल नहीं। जो बयान दिए गए तमल साहब वालों फिर सच हो जाएंगे? हाँ, फिर काफ़ी कुछ जाऊगा, फिर मैं लगता पंजाब के उपर होर काले यह जे पता नहीं किन्ने बिल आ जाएंगे। और पंजाब यूनिवर्सिटी तो गई मेरे वाली ये तो हूँ भी गई हुई है तो ध्यान नहीं है किसी का, पर फिर वो लीगली लै जाएंगे। हूँ तो मतलब कि धक्के लैके गए हुए हैं तो फिर काफ़ी कुछ जाएंगे, फिर बिल भी दोबारा आ जाएंगे, फिर बोली का मसला। दुआ करो कि पंजाब किसी एक पार्टी की सरकार बन जाए। तुम देखा होना पिछों जो एक वीडियो वायरल हुई है कि एक फिरोजपुर तो एक उम्मीदवार रो रहा है कि मैंने टिकट नहीं दी, मेरे निके निके बच्चे भुखे मर जाएंगे। आप वो ये राजनीति एक बिजनेस है, मतलब कि उन्होंने नहीं फर्क पैंता भी पंजाब मर जूगा भी या पार्टी ने की सोचा तेरा काम नहीं है। वो कहना मेरे निके निके भुखे बच्चे उन्होंने तरस नहीं किया पार्टी ने। उन्होंने हूँ यह एक राजनीति एक बिजनेस है बहुत वड्डे पद्धर से, लोग इस करके आते हैं कि ए पैसा ही बहुत है। सोशल मीडिया से किसी ने वैसे बखूब लिखे कहते जे टिकट मिल गई पंजाब बदल देंगे, ना मिली तो पार्टी बदल देंगे, नहीं तो अपना घर बदल देंगे। तो कुछ मैं कहना अपने प्यो न बदलन तैयार बैठे टिकट दो सही, तुम जिनी दल बदल होंगी देखी है इस बार और रिकॉर्ड टुट गए सारे, और वह बंदे कोई फर्क नहीं पैंता। लेकिन पंजाब के मुद्दे अगर किसी ने जैनून तरीके चके ने नवजोत सिंह सिद्धू ने, हुण अजकल मैं देखिया आप पार्टी ते भगवंत मान होरी भी पंजाब दे बेसिक मुद्दे की गल करन लगे हैगे। इस तो पहला तो फ्री वाली राजनीति ही चल रही सी, लीडर कहते पंजाब बचाना बचाना किस तरह पंजाब एक दूजे तो उन्होंने ऐ लगता भी मैं पुरानी पार्टी को पंजाब खो के अपने जोगा बचाना, पंजाब नहीं बचाना अपने जोगा पंजाब बचाना, कि दूजे सारे लुट के ना खा जा। मतलब कि यह स्कीम है उन्होंने यार, सारे तो लुट्टी जाते हैं तो असी घर रह गए पिछे, तो हर एक ने दूजे तो पंजाब बचाना अपने जोगा। जो कह दे सी कि सिद्धू साहब नूं हराने वास्ते मैं सब तो वड्डा उम्मीदवार उत्थे खड़ा करूँगा, हुण इह राजनीति नूं किद्दां देखना चाहिए? सिद्धू साहब के हक च यही चीज़ तो जाती है, जो किसी बंदे नूं इन्ने सारे रल के बंदे डिग रहे होण इहदा मतलब बंदा बिल्कुल सही थान ते खड़ा, ठीक है, बंदा ताकतवर भी है। हुण इह गल बिल्कुल क्लीयर है कि सिद्धू साहब नूं डिगण दे लई ना सिर्फ अकाली दल सरगर्म होगा, ना सिर्फ कैप्टन का पूरे का पूरा खेमा सरगर्म होगा, कांग्रेस के विचों काफ़ी लोग जिहड़े ने चाहणगे सिद्धू साहब हार जाण, ठीक है। सिद्धू साहब के लिए बहुत वड्डियां मुसीबतां ने, एक अद्धी नहीं हैगी, सनी देओल आ रहा, हेमा मालिनी आ रही हैगी, वह सारे अपनी इज्जत गवा चुके। चलो उन्होंने हक है पंजाब च आके, हजे मैनूं लगता कंगना रणौत भी आऊगी पंजाब च, हाँ बिल्कुल, उन्होंने जदों उन्होंने पोल्यूशन ही पैदा करनी है तो वह सारे वह जो बंदे ही लैके आएंगे जो पोल्यूशन पैदा कर सकते। फिर सवाल हो सकता है भाई जिते बंदियों जिन्हें ने SSM बनाया से मामले तो पेंडिंग पे ने? हाँ, मैं इदा लगता कि जिड़िया जथेबंदियां इलैक्शन लड़ रही, हालांकि मैं उन्होंने सपोर्ट की थी कि उन्होंने लड़न का हक है, मैं कहना लड़न का हक तो सारे है, उन्होंने भी है, पर मैं लगता कि वह बिना तैयारी के काली नाल छाल मार गए। अच्छा, स्टेटमेंट किसी भी एक लीडर की आ गई सारी वोट कट के दूजे पास बस एक ट्रिगर, पिछली बार केजरीवाल साहब वो मोगे वाला कांड हो गया, मोड़ के ब्लास्ट हो गया, वो किया गया ब्लास्ट, हूँ तो अभी समझ सकते हैं ना कि वह ब्लास्ट जोड़ा किया गया, ठीक है, और किने किया भी समझ लो, तो हूँ वह कि गलती हरदी है और वो गलती मतलब कि केजरीवाल साहब तो होंगी है, भगवंत तो होंगी है, वह नवजोत सिंह सिद्धू तो होंगी है, चन्नी साहब तो होंगी है, किद तो होंगी है, जाखड़ साहब ने कल एक करती सी, फिर लगता ना पिछोकड़ विचों कुछ कढ़ के लैके आउणगे, सियासी एक दूजे के खिलाफ भी वोटों का समा घट रह गया, मुझे लैके उस चीज़ को खड़वा दो तो वोट कट लो। हाँ, यहोजे मतलब कुछ नवे नवे वीडियो सामने आने की पूरी संभावना है ना, घट्टो घट पंजाब के इलेक्शन होर कुछ सवार ना सवार, इंटरटेनमेंट तो हर बार चंगा ही करते हैं, तो वो इंटरटेनमेंट का टाइम मैं लगता है कि लास्ट 10 दिन आऊगा और वह भी ट्रिगर होंगे निके निके। पंजाब दे विच चोणां ने चोणां तो पहला बहुत ही उम्मीदवारां नूं लुभाया गया, हर एक सियासी पार्टी वालों अहम सवाल यह हुंदा है कि लोग वोट करदे किस ते ने, पार्टी नूं देख के फ्री दे दावियां दे उत्ते, तुहानूं पहला भी इक इंटरव्यू दिखाया सी, बार बार यही चीज़ उठती सी कि लोगों का माइंड कित्थे सैट किया गया,
कि तुहानू 300 यूनिट फ्री दी जाती है तो तुसी वोट करोगे, बसों का सफर फ्री है तो वोट करोगे, तुहाडे खाते विच 2000 या 1000 रुपया पैसे जाणगे तो वोट करोगे। तुसी वोट करोगे किवें? दाल रोटी चावल के उत्ते वोट करोगे कि उस उम्मीदवार को देखोगे जो तुहाडे हल्के दे विच सब तो वधिया काम कर रहा है तो तुहाडे बच्चों लई नौकरियां लभ रहा कि उस उम्मीदवार को वोट करोगे? सवाल बहुत ही अहम है। कोई भी सियासी पार्टी है, सियासी पार्टियां दे विच चंगे उम्मीदवार भी हुंदे ने, कि वोट किसनों देख के की जाए? कि चेहरे को वोट देख के करोगे जां सिफारिश के उत्ते वोट करोगे? आप देखते हैं परिवार के कह देंगे भी चाचे का मुंडा ताए का मुंडा वोट तुम कदम कल भले का काम करूगा कि वोट पैसे नाल हुंदी है जां वोट शराब नाल हुंदी है? ये अहम सवाल है। एक इंटरव्यू किया पाली भुपिंदर जी ने नाल फ्री फ्री नूं लैके, भी फ्री फ्री के दावे कर रहे हैं सियासी पार्टियां वाले, ये कितना कुछ सही है कि आम लोग भी इस उत्ते सोचते हैं, कि आम लोग भी सोचते हैं कि जो सहूलत मिलदियां लै लीए उस बाद देखांगे की हुंदा। पाली भुपिंदर साढ़े नाल ने, चर्चा फ्री तो करांगे, जो पिछला इंटरव्यू किया उत्थे गल शुरू करांगे। पाली बाबा स्वागत है पंजाब न्यूज़ ते। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, शुक्रिया तुहाडा भी। तुहाडा ने पहले एक इंटरव्यू किया याद होना, मैं फ्री फ्री नूं लैके जी, मैं फिर दोबारा उही सवाल करूँगा क्योंकि हुण समा लंघ चुक्या, लोगों ने जिन्होंने उम्मीदवार ने चोणां लड़नियां सी 2000 तो उपर है वो फार्म भर चुके हैं, लोगों का माइंड हुण भी कि उत्थे खड़ा असी फ्री दे नां दे उत्ते वोट करनी है कि लोगों ने उम्मीदवार के नाँ से वोट करनी है, कि लोगों ने उम्मीदवार को देखना कि साढ़े लिए करेगा की, लोग वोट किस चीज़ उत्ते कर रहे हैं या करनगे? मैं जिन्ना क थले घूम के या लोगों के नाल गल करके जो मैनू फीडबैक मिली है विजय जी, वो ये है कि दो तरीके की वोट आ हुण पंजाब दे विच। एक तो वोट साइलेंट है, ठीक है, वह हाले नहीं आप क्यास लगा सकते कि वोट की सोच रही है, लेकिन एक जी वोकल वोट पंजाब हमेशा ही होंगी है, बहुत व्डे पद्धर से पहला भी होंगी है, वह हुण भी हैगी वोकल वोट, जोड़े लोग कह देंगे असं पावे खुल के पावे, तो मैनू इदा लगता कि नहीं ये फ्री वाली राजनीति तो नहीं कित हाल की घड़ी एक बहुत व्डा इशू नहीं है, तो जिते कितने भी कोई टेल्ट डाउन आ हूँ ये लोग जरूर कह रहे हैं कि यार हूँ तक पंजाब का कदे भला नहीं होया, पंजाब कुछ नहीं होया, तो ऐतकी कुछ नवे उम्मीदवार चांस देना, नवी पार्टी चांस देना, इस तरीके के जेडे उभर के ओपीनियन सामने आ रहे हैं। मैं लगता है कि फ्री फ्रू वाला काम नहीं कितने भी चलता, बस क्योंकि जड़ता बनी हुई है पंजाब के पोलीटिकल माहौल लगातार, पंजाब कद कुछ चेंज नहीं हो रहा, पंजाब का कोई भला नहीं हो रहा, तो लोग इस गल के उपर वोट कर तैयार है मैं लगता है इस बार, कि नहीं यार कुछ नव ट्राई करो, किसी नवी पार्टी चांस दो, इदा करो कि कोई नवे उम्मीदवार चांस दो, और मैरिट भी कितना कितने देखी जा रही है। साइलेंट वोट का जरूर डर है, लेकिन वोकल वोट जी खुल के सामने आ चुकी है। तुसीं हुण जिवें जिक्र कर रहे हो भी फ्री फ्री के दावे उत्ते लोग नहीं जाणगे, पार्टियां दा दावे कर रही ने, चलो वो उम्मीदवार नूं लवाउण वास्ते चीज़ां कर रही ने, फिर जिहड़ी पक्की वोट है जिहड़ी परमानेंट वोट जो पार्टियां दी हैगा काडर हैगा वह भुगत जाऊगी कि वह भी उल्ट जाऊगी? नहीं, परमानेंट वोट जिहड़ी हैगी तुसीं देख सकते हो अकाली दल की परमानेंट बहुत बहुत वड्डी सीगी, वह शिरक इस वेले हिली हुई है, जे तुसीं कहो कि अकाली दल की परमानेंट वोट भी खड़ी है, मैं क्योंकि सोशल मीडिया से भी एक्टिव हाँ थले भी लोगों नाल जुड़े हैं, मैं देखना कि नहीं उन्होंने कॉन्फिडेंस डोले हुए हैं, जिहड़ा अकाली दल का अपना पक्का काडर है वह भी कितने ना कितने डोलिया होया, कांग्रेस का काडर भी डोलिया होया, जो उन्होंने सवाल करते हैं कि देखो यार तुहाडियां पार्टियां ने किया की, वह कितने ना कितने काडर भी बेचारा जरकदा हिलदा। सो परमानेंट वोट नहीं हैगी, किसान अंदोलन तो बाद और कोरोना तो बाद जिंदगी काफ़ी चेंज हुई है, लोगों की सोच काफ़ी बदली है, मैं लगता कि पंजाब दे विच बहुत सारे उम्मीदवार है, बहुत सारिया पार्टियां, ये भंबल भूसा तो भावें नुकसान कर देवे पंजाब नूं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वोट जिहड़ी है मैं लगता मैरिट ते पैण वाली है। इस बार MLA की गल कर ली, कई MLA पुराने की गल कर ली, एक इंटरव्यू किया महताब MLA ने, 3 बारी MLA रह चुके ने, मैं देखिए तुहाडी इंटरव्यू, उन्हां कोल 17 एकड़ जमीन सी MLA बनने तो बाद, हुण एक एकड़ भी जमीन नहीं हैगी, घर पलस्तर नहीं होया छोटे मुंडे का, कहते मैं सारी तनखा अपनी पार्टी देती सी, वो MLA की सोचनी तो आम अज के MLA की सोचते हैं, जो पुराने की गल कर लिए जिन्होंने लड़ाइया लड़िया जेलों भी कटिया जाके, तो अज के MLA की सोचते हैं? देखो अज के जिन्हें भी लोग पोलीटिक्स के आ रहे हैं उन्होंने एक बिजनेस है, वह ये बिजनेस करने के लिए पोलीटिक्स के आते हैं, मतलब कि जो तुम कहो कि उन्होंने कोई विचारधारा है पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुते MLA ज बहुते पोलीटिशियन इस तरीके के नहीं है, तुम देखे होना पिछों जी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक फिरोजपुर तो एक उम्मीदवार रो रहा है कि मैंने टिकट नहीं दी, मेरे निके निके बच्चे भुखे मर जाएंगे, भाव वो यही राजनीति एक बिजनेस है, मतलब कि उन्होंने नहीं फर्क पैंता भी पंजाब मर जूगा या पार्टी ने की सोचा तेरा काम नहीं है, वह कहना मेरे निके निके भुखे बच्चे उन्होंने तरस नहीं किया पार्टी ने, उन्होंने हूँ यह एक राजनीति एक बिजनेस है बहुत व्डे पद्धर से, लोग इस करके आते हैं कि ए पैसा ही बहुत है, ठीक है, तुम देख सकते हो उही MLA बारे बाद मैंने किसी ने दसया कि वह बंद ने तो जायदाद जोड़न वाली अत करती,
ठीक है जिहड़ा रो रहा सीगा। तां हुण सवाल यह पैदा हुंदा कि इहो जिहे जिहड़े एम एल ए हैगे इन्हां दा कोई सिधांत नहीं है। जिहड़े एम एल ए तुसीं महताब सिंह होरां दी गल कर रहे हो, मैं तुहाडी उह इंटरव्यू देखी है, तीन वारी एम एल ए रहना ते कुछ ना घर विच जोड़ना, उही कच्चे घर च रही जाना, समझ लो ये बहुत सिधांतक लोग होणगे जिन्हां ने यह किया। अनफॉर्चुनेटली इहो जिहे लोग हुण बहुत ज़्यादा नहीं हैगे। चंगी गल है जे पंजाब दे लोग इहो जिहे उम्मीदवारां नूं वोट पाण, भावें किसी भी पार्टी दे विच होण, उहदे नाल की होएगा विजय जी कि आने वाले समय च पार्टियां इहो जिहे उम्मीदवारां नूं मतलब कि तरजीह देणगियां कि यार ये अपनी बजाते आप दे तौर ते इक सीट कढ सकदे आ, नहीं तां असीं जाणदे आ कि बहुते तां नलायक उम्मीदवार हुंदे आ जिन्हां कोलों पैसे लै के उहनां नूं सीटां मिलदियां, जां गुंडे हुंदे आ, माफिया दा हिस्सा हुंदे आ। इह मैरिट आ उम्मीदवार नूं किसे नूं टिकट देण दी पंजाब दे विच कि साडे लई गुंडागर्दी किन्नी कर सकदा, साडी माइनिंग च किन्नी सपोर्ट कर सकदा, ते इहदे नाल मतलब कि लठबाज किन्ने हैगे, ठीक है। तो ये जी मैरिट हैगी ही टुटूगी जो लोग पंजाब के कुछ चंगे उम्मीदवार को चुनना शुरू करेंगे महताब सिंह वर्गे लोगों। सोशल मीडिया से किसी ने वैसे बखूब लिखा, कहते जे टिकट मिल गई पंजाब बदल देंगे, ना मिली तो पार्टी बदल देंगे, नहीं तो अपना घर बदल देंगे। तो कुछ मैं कहना अपने प्यो न बदलन तैयार बैठे, टिकट दो सही तुम जिनी दल बदल होंगी देखी है इस बार, और रिकॉर्ड टुट गए सारे, और वह बंदे कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं हैरान हाँ, मैं एक दो तीन वधिया बंदे जिन्होंने दल बदले वधिया तक आए भी वड्डे बंदे आ नाम वाले, मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा जी वो कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं होंदा, पॉलिटिक्स है भाजी समझा करो, आपां तां देखो जी पंजाब दा ही काम करना है, पंजाब दा ही भला करना है, इत्थे रह के नहीं कर लिया, वह कर लिया, फलानी पार्टी कड़ा माड़ी है, फलानी पार्टी कड़ा मतलब कि टिकट नहीं मिली और रातों रात सीट बदल गए, इहो जिहे बंदे जिहड़े हैगे पंजाब दा की सवारनगे। अच्छा तुहाडे वी लीडर कॉन्टैक्ट विच होणगे, किसी लीडर नूं सवाल कीता भी तुसीं कहिंदे हो कि पंजाब नूं बचाउणा है, पर पंजाब बचाउणा किस तों है किसे नूं पता, किसे लीडर नूं पता होऊगा? देखो हाल की कड़ी तो कोई भी पार्टी कोई भी बहुत वड्डा लीडर जिहड़ा है पंजाब दे मुद्दे नहीं समझदा, चक नहीं रहा। नवजोत सिंह सिद्धू जरूर मैं तारीफ करनी चाहूँगा, मैं भावें उन्होंने बहुत वड्डा हुण प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन पंजाब दे मुद्दे अगर किसी ने जैनून तरीके नाल चक्के ने नवजोत सिंह सिद्धू ने। हुण अजकल मैं देखिया आप पार्टी ते भगवंत मान होरी भी पंजाब दे बेसिक मुद्दियां दी गल करन लगे हैगे, इस तों पहलां तां फ्री वाली राजनीति ही चल रही सीगी। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਇਹੀ ਹੈਣੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਨ ਹੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਨਾ। ਦੇਖੋ 2-3% ਵੋਟ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਤਾਂ 2-3 ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-3% ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2-3% ਵੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6-7% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 20% ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 20% ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੱਤ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-15, 18-18% ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 2-3% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੋਟ ਗੇਮ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ। ਅੱਛਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਕਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਵਰਸਿਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਲੈ ਪਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ,
फिर पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान हो जा रहा है। तो दुआ है मेरी कि मैंडेट मिल जाए दोनों चो किसी एक मिल जाए, और जो हाल की घड़ी मैं लग रहा कि इस वे आप को एज हैगा नवे होने का, पर किसी भी मिले मैं लगता कि मिल जाना चाहिए, एक क्लीयर कट मैंडेट एक सरकार बन जानी चाहिए है पंजाब का भला। ये नवजोत सिंह सिद्धू की गल कर लिए, उस बाद विक्रमजीत सिंह मजीठिया सुखबीर सिंह बादल ऐलान कर देंगे भी तगड़े हो जाए सिद्धू साहब हूँ मजीठिया जोड़ा माझी का जरनैल उतों चोना लड़ूगा। उस बाद एक फिर चीज़ चल पैंती है भी सिद्धू ने क्यों हराया, हराने लिए सारे पिछे चल पे ने लीडर के बयान ने, लीडर के बयान ने सब तो अहम बयान दिता सी कैप्टन साहब ने जो कह रहे थे कि सिद्धू साहब नूं हराने वास्ते मैं सब तो वड्डा उम्मीदवार उत्थे खड़ा करूंगा। हुण इह राजनीति नूं किदां देखना चाहिए? सिद्धू साहब के हक च यही चीज़ तो जाती है, जो किसी बंदे इन्ने सारे रल के बंदे डिग रहे होने का मतलब बंदा बिल्कुल सही थान पर खड़ा, ठीक है, बंदा ताकतवर भी है। हुण एक गल बिल्कुल क्लीयर है कि सिद्धू साहब नूं डिगण दे लई ना सिर्फ अकाली दल सरगर्म होगा, ना सिर्फ कैप्टन का पूरे का पूरा खेमा सरगर्म होगा, कांग्रेस के विचों काफ़ी लोग जिहड़े ने चाहणगे सिद्धू साहब हार जाण, ठीक है। सिद्धू साहब के लिए बहुत वड्डियां मुसीबतां ने, एक अद्धी नहीं हैगी, अपने आप नाल भी लड़ना पैना, हाँ अपनी पार्टी नाल भी लड़ना पैना, और उन्होंने अपने सब तो वड्डी गल उन्होंने अपनी बोलण दी सुभा दे खिलाफ लड़ना पैना, ठीक है। उन्होंने दी कई प्रॉब्लम्स हैगियां, और मैं समझदा कि नवजोत सिंह सिद्धू जे सीट कढ गए अंबरसर तो फिर वो एक ताकड़ नेता ने, ठीक है, और ये जोड़ा है मजीठिया साहब का जोड़ा कैरियर उन्होंने फ्यूचर तो वैसे ही फसया हुआ, मैंने लगता 22 तरीक उन्होंने एक बार तो जेल जाना ही पेगा, तो मैं लगता कि वह पोलीटिकली भी जोड़े है बहुत व्डे नुकसान जाएंगे मजीठिया साहब, उदू बाद कैरीयर भी मैं लगता बहुत व्डे स्टेक पर होगा। अच्छा सिद्धू साहब वाले पास क्यों हो गया सारे? सिद्धू साहब वाले पास क्यों हो गए विजय जी? तुम मेरे बेहतर जानते हो, हम घट्टो घट सिद्धू साहब के उपर कोई बहुत वही बेईमानी का इल्जाम तो है नहीं, ठीक है। तो यहोजा बंदा सिस्टम के जोड़ा बोलता है वोकल हो जाता मिनट के ठा सोटा कड के मार देता, यहोजा बंदा एक्सैप्टेबल नहीं है। राजनीति चुप चपीते होंगी और वंड के होंगी है, वंड के छको वाली राजनीति है साढ़े, है ना। किसी की भी सरकार आती है दूजी पार्टी के काम रुकते थोड़ी है, तुम देखे हो दूजी पार्टी के काम रुकते नहीं है, तो वो काम रुक जाएंगे। सिद्धू साहब वर्गा एक बंदा बच्चे आके बैठ जाए, है ना, तो वह जो बंदा जोड़ा बोलन लग्या मिनट लादा हो, मैं लगता कि जोड़ा माफिया है कितने कितने थोड़ा बहुता तो चैक लगेगा। मेरी सोच है फ्यूचर के सिद्धू साहब एक करते हैं कि नहीं करते, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, गल् वक्रिया ने, लेकिन एक बार असं सिद्धू साहब से या भगवंत मान वर्गे बंद भरोसा कर सकते हैं कि ये आने तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। अच्छा बीजेपी की गल करिए, बीजेपी हुण पंजाब दे विच रैलियां करेगी, पीएम साहब फिर दोबारा आएंगे, उस बाद एक लिस्ट भी जारी की गई है भी पंजाब चाह के बीजेपी की कंपेन करेंगे। किसान अंदोलन लग्या सी उस समय कहा जा रहा है कि बीजेपी पंजाब दे विच नहीं आन देना, कोई रैली करके दिखाण, झंडे भी पाड़े गए, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं 5 जनवरी फिर विरोध होंगे, वो सारा आप देखा। हुण सवाल है कि जे 32 जथेबंदियां अपनी जगह पर स्टैंड होंदियां कि बीजेपी रैली कर पाँगी, क्योंकि हले भी मामले पेंडिंग पे ने, 10 जथेबंदियां कह रही ने भी असं उस एजेंडे के खड़े हाँ, साढ़े लखीमपुर खीरी बाकी मामले जो पे ने, ट्रैक्टर हले भी जेलों में खड़े ने, थाने खड़े ने, हले भी केस है, पहले असं रद्द करवाने ने, फिर लगता भी जी 22 जथेबंदियां लग हुई ने उन्होंने कहा जा सकता जिम्मेवार है बीजेपी जो इतने आके रैली करते हैं? देखो रैली करना तो भाजपा का हक है, देखो इस गल से तो आप कोई दो राय नहीं, पोलीटिकल सिस्टम चो रैली करने हकदार है, लेकिन जे तुसी उन्हां दी सारी प्रचार स्टारकां दी लिस्ट देखोगे वो बिल्कुल पंजाब दे विच पंजाबी वोट लई नहीं आ रहे, वो हिंदू वोट लई आ रहे, तुहानूं उहनूं देख के बिल्कुल क्लीयर हो जू। मनोहर लाल वर्गा खट्टर बंदा वर्गा बंदा जिसने हमेशा पंजाब दे खिलाफ स्टेटमेंटां दित्तियां, जिहड़ा हमेशा पंजाब दे खिलाफ भुगतिया, जिसने दिल्ली जाण लग्गिया सानूं रोकण दी कोशिश कीती, वो बंदा जे पंजाब दे विच कंपेन करन आ रहा तां तुसी समझ लो वो पंजाबी वोट लई नहीं आ रहा, वो हिंदू वोट लई आ रहा, तो पंजाब दे विच ओ एक तरीके की इदां कहो कि पोलीटिकल पोल्यूशन खिलारन आ रहा सारे दे सारे, पोलराइजेशन वधन वाली है भाजपा के आन दे नाल, ठीक है। जे इहो जे बंदिआं दा मनोहर लाल खट्टर वर्गे बंदिआं दा पंजाब च वड्डे पद्धर ते विरोध कीता जावे तां सानूं समझ आंदा, ठीक है, सानूं पता कि वो कम्यूनलिज्म खिलारनगे आ के इत्थे हिंदू वोट के उपर उन्हां दा फोकस है, और पंजाब दे विच अनफॉर्चुनेटली एक कट्टड़ इस तरीके की वोट पैदा हो चुकी है, हिंदुओं दे विच भी एक मिडल क्लास वोट इहो जी बन चुकी हैगी जिहड़ी इन्हां चीज़ां नूं भुगतेगी, तो वो तवाजन विगाड़न आ रहा पंजाब का, और उन्होंने कितने कितने कोशिश होगी कि मैंडेट इन्ना विखर जे इन पार्टियां सीटा किसी भी ना मिले तो असं राष्ट्रपति राज लागू करके पंजाब से मतलब वो यह जी चीज़ों के चक्कर के आ रहे हैं। सनी देओल भी आ रहे हैं? हाँ सनी देओल दसो मतलब कि सनी देओल आ रहा, हेमा मालिनी आ रही हैगी, सारे अपनी इज्जत गवा चुके हैं, चलो उन्होंने हक है पंजाब च आके, हजे मैं लगता कंगना रणौत भी आऊगी पंजाब च, हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो उन्होंने पोल्यूशन ही पैदा करनी है तो वह सारे वह जो बंदे ही लैके आएंगे जो पोल्यूशन पैदा कर सकन। फिर सवाल हो सकता है 22 जथेबंदियों जिन्होंने SSM बनाया मामले तो पेंडिंग पे ने,
हाँ मैं इदा लगता कि जिहड़ियां जथेबंदियां इलैक्शन लड़ रही हालांकि मैं उन्होंने सपोर्ट की थी कि उन्होंने लड़न का हक है। मैं कहना लड़न का हक तो सारे है, उन्होंने भी है, पर मैं लगता कि वह बिना तैयारी के काली नाल छाल मार गए। ठीक है, गुराहां ग्रुप का पिछे हट जाना तो फिर उन्होंने को चीज़ा मैनेज ना हो पाया, हुण शक्की हो गए, रैदर उन्हों का काम शक्की हो गया संयुक्त मोर्चे का कि यार ये कितने भाजपा को फायदा तो नहीं पहुँचाने लिए उतरे हुए मैदान के। असी जानते हैं कि उन्हों का बेस नहीं बन सकिया, इन्नी जल्दी बनना भी नहीं सी। पोलीटल सिस्टम के अकालिया के कांग्रसियों के और हूँ आप का भी एक बहुत हेठला काडर तैयार हो चुके हैं, इन्हों के पैर जम चुके है। ठीक है, तो इन्होंने तीन पार्टियां का मुकाबला करना मैं लगता से उन्होंने सौखा नहीं सीगा, वो जल्दबाजी के छाल मार गए और मैं लगता कि कितने ना कि सारे सारे अंदोलन भी हूँ नुकसान देंगे। अच्छा हम लोगों की गल करते हैं भी जो लोग ने जो एक पिंड की गल कर लिए कि पिंड हले भी सहूलत देख के वोट पाते हैं या पिंड धड़ेबाजी वोट पाते हैं या पिंड अपना उम्मीदवार सही देखते हैं, वो वोट क्यों तो किवें करनगे क्योंकि दिल्ली अंदोलन भी चलता रहा उस बावजूद कितनी आवाज़ा उठिया भी हुण किसी भी सियासी पार्टी को पिंड नहीं आन देना, फिर पिंडां वाले हुण की करनगे, पिंडां वाले किहड़े पासे जाणगे? देखो इस वेले सारी पंजाब की वोट वंडी हुई है, अज तक एक हिंदू वोट के जी पंजाब की हिंदू वोट की खूबसूरती यह कि आम तौर पर कांग्रेस में भुगत जाती सी। ठीक है, तो कदे कदे वह जो बीजेपी तो अकाली कट्ठे से बीजेपी उदों अकाली दल के नाल भुगतती रही। इस बार मैं ये लगता कि केजरीवाल ने जिमें सारिया चीज़ा प्लैन कीतिया वो बहुत वड्डी हिंदू वोट के डेंट लाने दे पूरा समर्थ है। इस वेले कांग्रेस को वोट मिलेगी मिलेगी और थोड़ी जी हिंदू वोट भाजपा भी लैके जाऊगी, एदा मतलब पंजाब की हिंदू वोट भी पहली बार बहुत वड्डे पद्धर के उपर अलग अलग टुकड़ियां वंडी गई। जिहड़ी पिंडां दी वोट हैगी आम तौर पर सेंटीमेंट्स की वोट है, हले सेंटीमेंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो सेंटीमेंट नज़र आऊगा हाल की घड़ी, इदा लगता कि जिमें पिंडा की वोट अकालिया का काडर हैगा पिंडा दे विच वो लैके जाएंगे, थोड़ा बहुता शेयर कांग्रसियों का शेयर है वो सरकार भी उन्हां दी है वो भी लैके जाएंगे। आपने जिहड़ी वोकल वोट हैगी जिहड़ी बागी किस्म की वोट है वो आलरेडी आप दे मगर खड़ी है, तो लास्ट जिहड़ी हैगी कितने ना कितने मोर्चे वाले लोगों को भी थोड़ा बहुत शेयर पिंडा चो मिलेगा, तो चार धड़ियां दे विच पिंडा दी वोट भी वंडी हुई है। सो इस वेले सारे पंजाब दी वोट जिहड़ी है वख वख हिस्सों च वंडी हुई है, इकट्ठी कदों होगी जदों एक ट्रिगर आऊगा, हाले वो सेंटीमेंट्स ट्रिगर जिहड़ा हैगा विजय जी आया नहीं, तुहानूं पता पिछली वारी कितना आया सी और भैड़ा आया सी। अच्छा स्टेटमेंट किसी भी एक लीडर की आ गई सारी वोट कट के दूजे पासे भुगत जाणी है, बस एक ट्रिगर। पिछली बार केजरीवाल साहब वो मोगे वाला कांड हो गया, मोड़ दे विच ब्लास्ट हो गया, वो किया गया सी ब्लास्ट, हुण तां असीं समझ सकदे हां ना कि वो ब्लास्ट जिहड़ा किया गया सीगा। ठीक है, और किने किया तुसीं ओह वी समझ लो, तां हुण ओह किहदी गलती हरदी है और वो गलती मतलब कि केजरीवाल साहब तो होंगी है, भगवंत तो होंगी है, वह नवजोत सिंह सिद्धू तो होंगी है, चन्नी साहब तो होंगी है, किदे तो होंगी है, जाखड़ साहब ने कल एक करती सी है ना, उन्होंने कहता सी मेरे मगर 42 वोटा सगियां तो चन्नी मगर 2 सगियां, तो यहोजे जिहड़े बयान है ना आने वाले दिनों में वो एक जबरदस्त ट्रिगर बनने तो वो पूरी का पूरा पलटा वज के सेंटीमेंट क्रिएट होगा, वो सेंटीमेंट तक नहीं कह सकते कि पंजाब की चोण किधर जाऊगी। अच्छा वोटा दे नेड़े जाके जिवें बाकी सियासी पार्टियां भी जोड़े एक दूजे का पिछोकड़ कढ के लैके आउंदियां ने, सिद्धू साहब दे उन्हें सिस्टर भी भैन जी भी आ गए सन, वो भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी बोलते हैं, फिर लगता ना पिछोकड़ विच्चों कुछ कढ के लैके आउणगे सियासी एक दूजे के खिलाफ भी, वोटों का समा घट रह गया मुझे लैके उस चीज़ को खड़वा दो तो वोट कट लो। हाँ यहोजे मतलब कुछ नवें नवें वीडियो सामने आने की पूरी संभावना है ना, घट्टो घट पंजाब के इलेक्शन होर कुछ सवार ना सवार, इंटरटेनमेंट तो हर बार चंगा ही करते हैं, तो वो इंटरटेनमेंट का टाइम मैं लगता कि लास्ट 10 कि दिन आऊगा और वो भी ट्रिगर होंगे निके निके। ठीक है, सेंटीमेंट्स नू डाइवर्ट करन दा जिहड़ा हजे वो मैं ट्रिगर हजे निके निके वो वीडियो आणगे, और अकाली दल वाले चैंपियन इहो जे आम तौर पर हालांकि उन्होंने पहला हमेशा अपने बंदे ही ठोके अपने बागी ही ठोके तो वो कढ सकदे ने, जिवें आह सिद्धू साहब के खिलाफ केस खुल गया सीगा, चन्नी साहब के भतीजे नू साली साहब के बेटे नू अज अरैसट कर लिया गया, तो इहोजा आने वाले दिनों में इहोजा काफ़ी इंटरटेनमेंट देखने मिल सकता। अच्छा मजोरिटी सरकार बन जूगी कि अलग अलग पार्टियां वोटां लैके जाणगियां, सरकार नहीं किसी की बनती की होगा? दुआ तो यही है कि सरकार बन जाए, नहीं तो पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान होने वाला है। नज़र आ रहा है कि इस वेले आप भगवंत नूं जदों दा डिकलेयर किया सीएम दा कैंडीडेट एकदम उछाल वज्जिया, उदू पहलां आप दे विच जान नहीं सीगी, और दूजा केजरीवाल साहब की ईवेंट मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त है, सो एक वारी तो लग रहा कि आप सब तो अगे है। सरकार वो कढ पाती है कि नहीं कर पाती मैं हाल की कड़ी, मैं फिर कहना कि कोई ना कोई सेंटीमेंट ट्रिगर की वेट करके आप दस सकते हैं, हाल की कड़ी मैं ए लगता कि आप जी है बहुत नेड़े तो है लेकिन सरकार कली कढ़ती है नहीं, और मुकाबला हैगा आप तो कांग्रेस के। ठीक है, तुम जानते हो अकाली दल कितने नहीं है, भाजपा कितने नहीं है, और BSP के नाल आने कोई बहुत ज़्यादा अकाली दल को फर्क नहीं पाया, तो मुख्य मुकाबला तो इस वे कांग्रेस के है,
और आप दे विच है हाले मैं लगता है कि आपू थोड़ा जहाज मिलया हो पंजाब दे विच इस करके क्योंकि नवी पार्टी है लोग हूँ अक गए यार नवें ट्राई कर लो और भगवंत मान की हूँ इमेज मैं लगता कि पिछले दिनों अगर पंजाब सब तो ज़्यादा किसी ने ग्रो किया तो भगवंत मान है वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई है और बोलन का तरीका और जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज शराब वाला फैक्टर सारा कुछ धोता गया है हूँ एक जिम्मेवार बंदे के तौर के उपर सामने आया और मैं लगता है कि इस चीज़ का हाल की कड़ी एज है लेकिन कोई पार्टी सरकार कड़ती मैं नज़र नहीं आ रही जे कि पंजाब अज तक होया था नहीं जे गलती होगी कि वोट खिंडर गई तो किसी पार्टी बहुत मत ना मिले तो फिर एक याद रखियो सारिया पार्टियां इन्नी अपोजिट है किसी ने किसी को समर्थन दे के सरकार नहीं बनानी यदा मतलब है राष्ट्रपति राज लग जूगा और जे पंजाब राष्ट्रपति राज लग गया तो विजय जी पंजाब का बहुत नुकसान होने वाला फिर केंद्र अपने को कुछ लै जूगा झाड़ के तुम आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक चोला पिया कि है कि एक कह सकते भी अंदोलन चलिए अंदोलन तो बाद जो जो सियासत में होंगे एक दूसरे के खिलाफ बोलना कि अंदोलन तो बाद एक चोला पाया गया भी पंजाब एक चोला पा के रखो जे बीजेपी इस तरीके ले आँगी राष्ट्रपति शासन के राही अपने हाथ में लै ले। देखो पहला तो नलायकियां आप दियाँ अकाली दल अपन गलतियों तो बहर नहीं आ पाया और उन्होंने 5 साल से बाहर बैठ के बहुत कुछ लोग सुधार लेंदे आ खुद को उन्होंने कुछ नहीं सुधारिया अपना उन्होंने अपनी गलतियां ही स्वीकार नहीं कीतियां ठीक है वार बार उही गलतियां दोहराते रहे और कैप्टन साहब ने कांग्रेस को डोबन के कोई कसर नहीं छड़ी साढ़े 4.5 साल उन्होंने कख नहीं किया 92% कहते मैं हाँ काम किए और जो उन्होंने बदलने की कोशिश की तो उस बाद जो ड्रामा होया दिन 4 दिनों के 5-7 मुख्यमंत्री नवे दामले लिया के खिंच ले गए उन्हें कांग्रेस तोड़ती तो कांग्रेस के अकाली दल अपन गलतियां करके अज इस पोजिशन के है ठीक है और फिर भाजपा को यह चीज़ नज़र आ गई फिर संयुक्त किसान मोर्चा आ गया फिर आप का बूस्ट हो गया फिर किन्नी ही नवी पार्टियां होर आई इस वे 2800-2900 के करीब उम्मीदवार इस वे पंजाब दे विच रिकॉर्ड तोड़ उम्मीदवार है तो भाजपा की कितने कितने गेम हैगी कि मैंडेट खिंडर जी कैप्टन साहब पार्टी बना के आ गए है ना उन्होंने थोड़ी थोड़ी वोट खराब करनी है मैंने लगता कैप्टन साहब तो वह जस्ट एक बस उन्होंने आर्डर मिले कि उन्होंने इलैक्शन लड़ने हैं तो इलैक्शन लड़ रहे हैं तो ये सारा मैंडेट खिंडर खिडारन का एक तरीका हो सकता है और जे मतलब कि कामयाब होगी भाजपा की स्कीम तो तुम समझ लो पंजाब दे विच फिर किसी की सरकार नहीं बननी इस करके मैं वार बार दुआ करता कि किसी एक पार्टी मैंडेट मिल जाए सानू सरकार मिल जाए जे राष्ट्रपति राज लागू हो गया 2.5 साल लिए घट्टो घट लगेगा और 2.5 साल के बिल बुल जे द्वारा सब कुछ द्वारा आ जाऊगा कोई खास गल नहीं जो बयान दिए गए तमो साहब वालों फिर सच हो जाएंगे हाँ फिर काफ़ी कुछ जाऊगा फिर मैं लगता पंजाब के उपर होर काले यह जे पता नहीं किन्ने बिल आ जाएंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी तो गई मेरे हाली ये ला जाएंगे ये तो गई ये तो हूँ भी गई हुई है तो ध्यान नहीं है किसी का पर फिर वो लीगली लै जाएंगे हूँ तो मतलब कि धक्के लैके गए हुए हैं तो फिर काफ़ी कुछ जाएंगे फिर बिल भी दोबारा आ जाएंगे फिर बोली का मसला दुआ करो कि पंजाब किसी एक पार्टी की सरकार बन जाए। अच्छा जो हम मेरा एक आखिरी सवाल है कि किसानों की गल करिए जो 22 जथेबंदियां गई सी कि उन्होंने रुकना चाहिए सी भी मैं हम एक इंटरव्यू किया किसी आगू तो कह रहे थे कि बड़ी काहली विच मोर्चा चक्या गया जो मोर्चा बैठा रहिंदा वोटों तक वेट करता साड़ी MSP की गरंटी वो कह रहे थे WTO लिख के दे दिता सी इन्हां ने जो उन्होंने स्टेटमेंट है और कहते जो समा होर बैठे रहते कुछ समा दिल्ली की बरूहों के उत्ते बिल जो बिल तो वापस होने से MSP गरंटी मिलनी सी लखीमपुर खीरी के इंसाफ मिल जाना सी जो ट्रैक्टर खड़े ने अज भी थाणियां दे विच वापस होने से तो जो नौजवानों के उत्ते परचे दर्ज होए ने भी वापस होने से काली विच जो है ये चक्या गया मोर्चा वह खुद हम आगू कह रहे हैं भी सानू नहीं चकना चाहिए सी मोर्चा फिर वो 22 जथेबंदियों ब्लेम किया जा सकता नहीं मैं ये लगता है कि मोर्चा तो जो चक्या गया उदो सारे ने रल के चक्या उस गुराह साहब भी शामिल से और आप जानते टिकैत साहब की भी सरप्रस्ती सी मोर्चा तो रल के चक्या गया हाँ इन्हों की इलैक्शन की वो एक वक्रा इशू है लेकिन मोर्चा तो रल के चक्या गया और मैं समझता कि उन्होंने बहुत वड्डी लड़ाई लड़ी सी 1.5 साल थोड़ा नहीं हुंदा तो 1.5 साल उत्थे लगातार बैठ के मैं लगता वो भी थक गए होंगे अक गए होंगे और जो बिल वापस हो गए फिर मन एक इदा तरीके हार मान ली सरकार ने उदू बद कई बार मिलने के चांसिस नहीं सके हाँ ठीक है जो थोड़ी देर होर बेंदे आंकलन गलत नहीं है जो थोड़ी देर होर बेंदे जिमें जिमें इलैक्शन नेड़े आते मे बी वो सारिया चीज़ा खत्म हो जाए पर मैं लगता कि आप इस बजाय किसान जथेबंदियों ने जिनी कि लड़ाई लड़ी है उधर ही आप शाबाशी देिए छोटी मोटी लड़ाई नहीं सी वो एक तरीके का वर्ल्ड वार ही कह के चलूँगा मैं तुम्हें मैं तो यह लगता पानीपत की चौथी लड़ाई सी जी किसान जित के मुड़े है कोई छोटी लड़ाई नहीं सी मोदी वर्गे बंदे हंकारे हुए बंदे जिहड़ा कि गलत तरीके बहुमत हासिल करके तो देश को चलाने की कोशिश करता है यहोजे बंदे मतलब कि बैकफुट से धक्क देना यह बहुत वड्डी प्राप्ति है हाँ मतलब कि जो बैठे रहिंदे थोड़े जे शायद चीज़ा होर हुंदियां पर मैं समझता कि हल यदा भी लभ जूगा। अच्छा आखिरी सवाल है किनू देखना चाहते हो CM तुम ताली गल कर रहे भगवंत मान के सिद्धू साहब भगवंत मान सिद्धू साहब नहीं
आ जाएंगे तो मैं अफसोस नहीं होगा सिद्धू साहब मैं भगवंत मान तुम्हारी याद ही रही है देखते हैं यार ही नहीं है मेरा मेरे लिए मैं उसको ग्रो करते देखिया और मेरी भावुकता मैं ऐ लगता कि एक आप पार्टी यही है जिसनों एक चांस मिलना चाहिए भगवंत ने उन्हें काफ़ी वही कुरबानी की उस बंद मैं देखिया उसको बर्बाद होंगे देखिया उसको मैं बहुत नेड़े तो देखिया और मैं पता है कि वह बंद उन्हें पार्लीमेंट के जिमें गरजता रहा मैं उस दिन भुलदा नहीं मैं मेरे एक साउथ इंडियन मित्र ने मैं फोन किया रंगकर्मी ने कहता पहली बार किसी पंजाबी को हमने इतने शानदार तरीके से पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते हुए देखा है हमारे लिए भगवंत मान बहुत बड़ा स्टार है ठीक है तो मैं लगता कि भगवंत मान एक चांस डिजर्व करता है जो वो आ जाए तो मैं खुशी होगी सिद्धू साहब आ जाएंगे तो मैं अफसोस नहीं होगा मैं तुम्हें दसदा कि उन्होंने पंजाब के मुद्दे सिद्धू साहब चुकते हैं मैं उन्होंने प्रशंसक हाँ ठीक है पर मैं ये लगता सपोर्ट करते हो सिद्धू साहब मैं ये लगता कि वो सपोर्ट तो मैं खैर किसी पार्टी भी नहीं करता मैं तो जस्ट जिन्ना क मेरी शुभकामनावें ही होंगे सारे के नाल तो सिद्धू साहब के नाल भी मेरी शुभकामनावें पूरी खड़िया ने तो क्योंकि वो मुद्दे चकते हैं पंजाब के लेकिन मैं ये लगता सिद्धू साहब मेरे वर्गे ने वो भी बोल के इन ज़्यादा मुसीबत खड़िया कर लेंगे आपके लिए चुप रहना उन्होंने भी नहीं आता तो चुप रहना मैनू भी नहीं आता मैं भी हमेशा किसी न किसी पंगे च प्या रहना तो सिद्धू साहब न जो उन्होंने राजनीति करनी है तो उन्होंने थोड़ा जा मैं लगता थोड़ा जा उन्होंने अपना कंट्रोल करना पेगा खुद में बजाते जो उन्होंने मुद्दे चके ने मैं उन्होंने प्रशंसा सियासी पत्ता कह सकते हो बहुत वड्डा पत्ता खेडे गया मजिठिया सुखबीर सिंह बादल ने उतारे अमृतसर के हाँ ये नैगेटिव होगा अकाली दल वास्ते कि सिद्धू वास्ते नैगेटिव है गल है कि मैं इदा लगता कि अकाली दल ने एक जुआ खेडिया बहुत तकड़ा गल है कि मजिठिया साहब को गवान में कुछ भी नहीं सी ठीक है जितन सिद्धू साहब पे थे क्योंकि उन्होंने तो पता ही है तो हम तुम्हें भी पता है भी वो फस चुके हैं बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन लड़न तक की छोड़ दी है लेकिन सरेंडर तो उन्होंने करना पैना तो उन्होंने एक लग्या कि जुआ खेड़ के देख लो जे सिद्धू ढाल आ तो मजिठिया नैक्सट डे स्टार है तो जे मजिठिया हार गया तो मजिठिया ऑलरेडी हारिया होया तो एक एक तरीके का मतलब कि इदा कहो कि जुआ है कि लाटरी पाई है कि निकलूगी तो करोड़ की निकलूगी 100 रुपये के तो जाऊ तो 100 रुपये जाऊगा मतलब कि पोजिशन है अकाली दल कितने देखते हो इस समय अकाली दल अनफॉर्चुनेटली आप दिया गलतियां मैंने लगता अकाली दल कोई सियाने सलाहकार नहीं है मेरे मित्र भी नहीं उन्होंने मैं ऐ लगता कि नहीं अकाली दल में चंगे सलाहकार की लड़ है वो जिड़िया गलतियां करते हैं वार बार गलतियां उ करी जाते हैं उ रिपीट करी जाते हैं उन्होंने पता ही नहीं कि असं कितों डिगे हाँ तो असं कितने असी एक बंदा मैं वो चुटकला याद आ जाता कि किसी कोई बंदा गली दे विच ना सूई लभ रहा नेरे दे लाइट दे थले तो किसी सियाने ने पूछा भी तेरी सूई गवाची कितने दी कहिंदा गवाची तो घरे सी तो कहिंदा तू इत्थे क्यों लभ रहा कहिंदा इत्थे रोशनी है घरे अंधेरा है तो अकाली दल की प्रॉब्लम है उन्होंने वोट तो गवाची हैगी सिखां दे विच उन्होंने वोट गवाची है किसानों के विच ते लभ किन्ना च रहे आ उह तुसीं आप देख लो किन्ना च लभ रहे आ जिन्हां दी वोट उन्होंने कदे भी नहीं मिलनी ठीक है तो उन्होंने ये गलतियां अकाली दल जी बहुत वड्डी पार्टी है खेतरी पार्टी अगर लास्ट कोई बची है पंजाब यही है जे वो वापस खेतरी हो जाए तो वो छड़ के हरियाणे का मोह दिल्ली का मोह जो पंजाब नू चक लैन पंजाब फिर शायद एक अद्धा चांस उन्होंने कदे ना कदे दे दूगा तो सारी गल मैं सुनी है साढ़े मौजूद सन पाली भुपिंदर सिंह इंटरव्यू किया गया सी फ्री नू लैके पर अज कह दे कि फ्री के दावे उत्ते पंजाब के लोग वोट नहीं करनगे वोट करो ये तुहाडा अधिकार है जिसनों मर्जी करो ये भी तुहाडा अधिकार है पर वोट सोच समझ के करो क्योंकि उम्मीदवार देखो उम्मीदवार को सवाल करो किया की करोगे तो की आने वाले समय में तुसी साढ़े मुद्दे लैके आओगे क्योंकि नौकरियों वास्ते इस जो पिछले 5 साल गए नौकरियों वास्ते बहुत ही लोग नौजवान चौराहे में आके खड़े सन एक गल पुछते सन असी वोट दे के की गलती कर ली है भी सानू नौकरी नहीं मिलती